तो अब तक आपने देखा था कि हमने किस तरीके से अपना जो अर्थ है वो बनाया, और जितनी हमारी जो लेयर्स हैं ये बनाई है। तो इस तरीके से आप ये बनाते हैं। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं बनाया तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, जिसमें हमने किस तरीके से अर्थ और बाकी सारी चीज़ें बनानी है वो दिखाया। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, पिछला वीडियो देखिए, और अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो इस पार्ट में हम इसमें जितने भी बाकी एलिमेंट्स हमारे जो बचे थे वो बनाने वाले हैं, जैसे कि जैसे ओजोन लेयर बनाएंगे, कार्बन लेयर में एक्सो बेस बनाएंगे, और जितने टेक्स्ट हैं वो सब ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कि किस तरीके से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, एक नई लेयर ले लेते हैं, जो हमारा ओजोन लेयर है उसके लिए हम एक नई लेयर ले लेते हैं। नई लेयर लेने के लिए आप इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, और अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक नई लेयर मेरी एक्टिवेट हो गई है। फिर हम ये करेंगे कि हम इसे रीनेम कर देते हैं। रीनेम, फटाफट में रीनेम कर देता हूँ इसे, और आप जितने भी पुरानी लेयर्स हैं आप उन्हें भी रीनेम कर दीजिए। अभी मैंने भी रीनेम नहीं किया, इसके बाद हम सारी लेयर्स को भी रीनेम कर देते हैं। अभी एक रीनेम करके इसको ओजोन लेयर का नाम दे देते हैं। तो ओजोन लेयर, और ओके पे क्लिक कर दूँ, और ये हमारी ओजोन लेयर का लेयर बन जाएगा। अब हम पेंसिल को सेलेक्ट कर लेंगे, और जो हमारा एलिप्स टूल है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। एलिप्स टूल आपको यहाँ टूल बार पे जो बकेट टूल के दो टूल छोड़ के आपको एलिप्स टूल राइट साइड को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक इस तरीके का शेप आ रहा है। तो आप देखेंगे कि आप जो भी इसमें ड्रॉ करेंगे वो उसी शेप का ड्रॉ होगा जिस शेप का आप ये बना रहे हैं। तो जैसे मैं ऐसे ऊपर खींच के ऐसे बनाऊंगा तो ये इस तरीके का दिखने लगेगा। तो आप ये कीजिए कि आप इसे अरेंज कीजिए, और इसमें ऐसा शेप आपको बनाना है तो आप इसे सर्कुलर शेप में अरेंज कीजिए। अरेंज करने के लिए आप इससे स्केल कर सकते हैं, ओवरऑल स्केल इससे आप वर्टिकली से साइज, मतलब कितना आपको लंबा करना है कितना छोटा करना है वो कर सकते हैं। इससे आप इसे रोटेट कर सकते हैं, और इससे आप इसे क्रॉस कर सकते हैं। तो मैं फटाफट इसे अपनी ओजोन लेयर की जगह पे अरेंज कर देता हूँ। तो हम इसे अर्थ के सेंटर पर रख लेते हैं, इस तरीके से छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं बस। आप इसे अपने इन लेयर्स के साथ फिक्स कर दीजिए, तो हमारा ओजोन लेयर कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ सकता है, जो हमारा यहाँ पे हम इसे ओजोन लेयर को बना देते हैं। तो इसे ऐसे फिक्स कर दिया मैंने, थोड़ा आपको जहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंटर लगे आप इसे पोजीशन कर दीजिए, और एक इस तरीके से सफ़ेद लाइन बना दीजिए। तो ये हमारी ओजोन लेयर को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप देख सकते हैं हमारा ओजोन लेयर तैयार हो गया। अब मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, तो देख सकते हैं कि ये हमारी ओजोन लेयर की लाइन बन गई है, कि हमने अपने ट्रोपोस्फेयर में हमने ओजोन लेयर की लाइन बनाई है। अब हमें एक लाइन हमें थर्मोस्फेयर में चाहिए, जो कार्बन लेयर बनेगी, और कार्बन लाइन बनेगी, और एक एक्सो बेस के लिए एक और लाइन चाहिए। तो इसे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसे डुप्लीकेट करके इसे रीनेम कर देंगे। अभी तक हमने इसे ओजोन लेयर लिखा था, अब हम इसे कार्बन लेयर लिखेंगे, और इसे हम ओके पे क्लिक करके इसका साइज बढ़ा देंगे। साइज बढ़ाने के लिए ट्रांसफॉर्म टू, और इस तरीके से स्केल करके आप इसे जहाँ पे कुछ प्लेस कर सकते हैं। हल्का सा आप इसकी पोजीशन चेंज करना है चाहे पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक ठीक लगा है। फिर आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी हल्की सी धुंधली कर दें, और इसे एक बार और डुप्लीकेट करके आप एक्सो बेस नाम के लिए इसे बना दें। तो मैं रीनेम करके इसे एक्सो बेस कर देता हूँ, और ओके पे क्लिक कर दूंगा, और इसे भी स्केल करके यहाँ पे पोजीशन कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा काफ़ी मोटा भी हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका जो ये लाइन्स हैं ये पतली आए, क्रिस्प आए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप वापस अपना एलिप्स टूल लीजिए, आप इसे डिलीट कर दीजिए, और एलिप्स टूल की मदद से एक बार फिर से ड्रॉ कीजिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, इसे डिलीट कीजिए, और अपना इस वाले को भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो डिलीट कर दीजिए। नई लेयर आपकी बन चुकी है, आप वहाँ पे वापस ओल्ड टूल लीजिए, उसका सेंटर पे रखिए जहाँ पे आपने ये रखा था, और इसे यहाँ से स्केल कर दीजिए इस तरीके से। फिर आप इसे अरेंज कर दीजिए यहाँ पे जहाँ पे आपको चाहिए। कार्बन लेयर हमारी थोड़ी पड़ी हुई यहाँ पे, तो इसे यहाँ पे रख लेते हैं, और इस तरीके से एक लाइन खींच लेते हैं। फिर मैं इसे स्केल करूँगा और अपनी एक्सो बेस के लिए इसे पोजिशन कर दूंगा। तो एक्सो बेस थोड़ा बाहर की साइड होना चाहिए इस तरीके से, और अब आप ओपेसिटी वगैरह इसका छेड़ सकते हैं। तो एक बार इसे अरेंज करके
ये कर दूंगा, फिर क्रॉस कर दूंगा और अब इसकी ओपेसिटी वगैरह कम कर लूंगा। आप इसे आप अपने हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं, आपका साइज पतला हो गया, अगर आप डुप्लीकेट करना चाहें तो डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके करने के बाद अब हम इसमें ये करते हैं कि इसमें टेक्स्ट और जितनी भी चीज़ें हैं हम ऐड कर लेते हैं। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट वाली जो हमारे टूल बार में टेक्स्ट वाले ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा और इसको मैं नेम दे देता हूँ ओजोन लेयर, OZ, सारा कैपिटल में लिख लेते हैं और इसे सब कुछ सेलेक्ट करके इसे वाइट कलर में कर देता हूँ ताकि मेरा ज़्यादा विजिबल हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे से अपना कलर चेंज कर सकते हैं, आपको कौन सा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप और भी कलर चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस वाइट कलर पे, इस वाइट बॉक्स पे क्लिक कीजिए और अपना कलर चेंज कीजिए। अगर आपको बोल्ड करना है तो आप इस तरीके से इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना है इटैलिक, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन, इस पर साइज उसे अगर स्ट्रोक मारना है इसके ऊपर, मतलब आप इसके ऊपर एक लाइन खींचना चाहते हो तो इस तरीके से आपके खींच के दिखा सकते हैं। फिर आप कीजिए क्या, इसे मैं इसे बोल्ड नहीं करूँगा इसे, और फिर ओके करके ओजोन लेयर को दिखा देते हैं यहाँ पे। अब मैं ओजोन लेयर मेरे यहाँ पे है कुछ, तो मैं इसे इस तरीके से रोटेट करके जूम करके स्केल करके यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये मेरी ओजोन लेयर, अब से एक बार इस तरीके से सेट कर दीजिए, अगर आप स्केल और कम करना चाहते हो तो कर दीजिए। और इसे एक बार फिक्स करने के बाद मैं और लेयर्स बना दूंगा इसी साइज की और यहाँ पे अरेंज कर दूंगा, ये कार्बन लेयर दिखा दूंगा और यहाँ पे मेरी एक्सो बेस। तो टेक्स्ट लीजिए और यहाँ पे हम लिख लेंगे KARMANLINE, कार्बन लाइन, इसका कलर चेंज कर देते हैं वाइट, ओके क्लिक करेंगे और साइज छोटा करेंगे, यहाँ पे फिक्स कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप जब ऐसा कर रहे हैं तो आपको ये टैक्स का साइज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, वरना वो उतना अच्छा डिजाइन नहीं दिखेगा। ये मेरी कार्बन लाइन तैयार हो गई, मेरा ओजोन लेयर तैयार हो गया, मुझे लग रहा है कि कार्बन लाइन वाला थोड़ा छोटा है। अब एक काम करेंगे, हम एक और लेयर टैक्स ले लेते हैं और इसको नाम करता हूँ एक्सो बेस। यहाँ रेफरेंस से देख सकते हैं कुछ इसके आगे कुछ और भी है या नहीं है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, पहले से 18 कर लेते हैं, कलर वाइट कर लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसका साइज़ बढ़ा देंगे। ठीक है, ये ठीक लग रहा है और इसे ऐसे रोटेट करके बड़ा कर सकते हैं हम इसे यहाँ पे और यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसी तरीके का आपको बाकी जगह टेक्स्ट और ऐड करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं। अब आप एक एक करके सारे टेक्स्ट इसमें ऐड कर दीजिए। इसमें आपको एक्सो बेस बनाना है, यहाँ पे इसको थर्मोस्फेयर यहाँ पे लिखना है और स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर सब लिखना है। फिर हम इसमें देखते हैं कि हम और कैसे हम इसमें और ऐड कर सकते हैं और एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम अब जो हम बादल देख रहे थे यहाँ पे, आप ड्राइंग में देख सकते हैं जो मैंने आपको ड्राइंग दिखाई है, तो हम स्टार्टिंग में देखेंगे इसमें बादल से है कुछ, तो हम बादल कैसे बनाएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई लेयर ले लेते हैं और यहाँ पे इसे रीनेम कर देते हैं। तो रीनेम करने के बाद मैं इसमें क्लाउड बना रहा हूँ, क्लाउड लिख लेते हैं और ओके पे क्लिक कर दूंगा। और अब आप यहाँ पे जाइए ब्रश प्रॉपर्टीज, जो ब्रश लाइब्रेरी है उस पर क्लिक कीजिए, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन हमारा ब्रश लाइब्रेरी का, इसमें आप सिंथेटिक पेंट में थर्ड ऑप्शन थर्ड ब्रश को चूज कीजिए, उससे आपको बादल वाले अच्छा टेक्सचर मिलेगा। बस जैसे आप उसमें चूज कर देंगे तो आप इस तरीके से बादल बना पाएंगे। तो आप उसकी, अगर आपको ज़्यादा ये ज़्यादा डार्क दिख रहा है तो आप उसकी हल्की सी ओपेसिटी अगर चेंज करके देख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको बादल बना देता हूँ। तो अगर प्रॉपर्टीज़ को लें तो आप प्रॉपर्टीज़ को दीजिए, साइज कम कर दीजिए, स्ट्रेंथ भी कम कर दीजिए, फ्लो कम कर दीजिए और साइज थोड़ा कम बढ़ा देते हैं और अब बढ़ाना स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से आप बादल बना पाएंगे और आप इसे इस तरीके से घुमा भी सकते हैं, मतलब कि अब आपका बादल का जैसा कूल टेक्सचर आप देखने को मिलता है उस तरीके का टेक्सचर देखने को मिलेगा। अगर ये ज़्यादा बड़ा हो जाए तो आप इसे बाद में छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बादल बनाएंगे इसमें। अभी मेरा शायद ब्रश बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इसे छोटा कर देता हूँ अंडू करके। इस तरीके से आप बादल बना सकते हैं।
सब क्लाउड के शेप दे दीजिए, ऊपर से हल्का सा डार्क और नीचे जाते हैं ब्लेंडर से होते हैं, वैसे इस तरीके से बादल का शेप दे दूंगा। अब मैं बस ब्रश से क्लिक कर रहा हूँ और अपने उसे थोड़ा रोटेट कर दे रहा हूँ, तो इस तरीके से आप भी क्लिक कीजिए और रोटेट कीजिए, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, एक बार ये बन जाए तो आप इसका साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, कितना बड़ा आपको बादल चाहिए। अगर आपको अभी भी से कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप इसमें ऐसे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको इसे थोड़ा सा मिटाना है तो आप इरेजर से मदद ले सकते हैं, हल्का सा मैं पिंच करना चाहूँगा तो पिंच कर सकता हूँ इस तरीके से बादल को शेप देने के लिए। आप स्मेयर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अगर वैसा नॉर्मल बादल बनाएंगे तो आपको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा थोड़ा शेप बिगड़ गया था इसलिए मैंने इसे ऐसा कर लिया। तो आप अगर छोटे ब्रश का इस्तेमाल करके ऐसा शेप देंगे तो ये ठीक ठाक बनेगा, तो इस तरीके से शेप दीजिए। और एक बार शेप देने के बाद आप एक और नई लेयर बनाइए और इस साइड पे हम एक और छोटा सा बादल बना देते हैं। आप नई लेयर ना बनाना चाहें तो आप उसी के ऊपर बना सकते हैं दूसरा बादल, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक और बादल बना देते हैं, इस तरीके से शेप दे देते हैं और इस तरीके से इसे घुमा देंगे, तो ये हमारे कुछ बादल तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से आप बादल का शेप दीजिए। और यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वेदर बनता है सब इस ट्रोपोस्फेयर में बनता है, तो अभी आप टेक्स्ट अगर इसमें ऐड करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लग जाएगा, तो एक बार टेक्स्ट ऐड कीजिए इसमें। इसी तरीके से आप सारे टेक्स्ट आपको ऐड कर लें और आप टेक्स्ट ऐड कीजिए। और फिर हम ये देख लेते हैं कि अभी हम इसमें और एक और एलिमेंट, एक और चीज़ ऐड करते हैं, अगर हमें इसमें अर्थ एटमोसफेयर यहाँ पर टाइटल लिखना है तो हम वो कैसे करेंगे। अगर आपका पेज छोटा पड़ जाए या पेज खत्म हो जाए, फिर अगर आपको इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है तो कैसे कर सकते हैं, अगर आपको साइज छोटा पड़ जाए पेज का तो आप उसे बढ़ाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका है, आप क्रॉप टूल की मदद से इसका साइज बढ़ा सकते हैं। क्रॉप टूल आपको टूल बार में जो थर्ड बटन है ये मिल जाएगा, तो इस तरीके का जैसे आप इस क्रॉप टूल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट लिखी हुई आ रही है, तो आप यहाँ से चेंज करना चाहेंगे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सेलेक्ट कर देते हैं तो अब आप पूरे पेज को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये साइज बड़ा करने का ऑप्शन दे देता है, तो जहाँ साइड को आपको इसको बड़ा करना है आप उस साइड को इस तरीके से पेज बड़ा कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ बड़ा करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, जैसे आप पेज बड़ा कर दें इससे थोड़ा और ऊपर करना चाहें और ऊपर कर दें और क्लिक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेज का साइज बढ़ गया है। यहाँ ऊपर अब आप एक टेक्स्ट लिख सकते हैं जिसमें आप अर्थ एटमोसफेयर जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, तो मैं एक टेक्स्ट वापस ले लेता हूँ, इसमें द अर्थ एटमोसफेयर लिख लेता हूँ, EARTH और छोटा एस एटमोसफेयर। इसे करने के बाद मैं इसे बोल्ड कर लेता हूँ क्योंकि हमारी हेडिंग बनने वाली है, अंडरलाइन कर लेता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, ओके पे क्लिक करके इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 26 कर देते हैं, 36 कर देते हैं और ओके क्लिक कर दूंगा। अब आप यहाँ पे अर्थ एटमॉस्फेयर लगा सकते हैं, तो ये आपका अर्थ एटमॉस्फेयर की हेडिंग आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी जो टेक्स्ट है उसमें बाकी चीज़ ऐड करिए। अगर यहाँ पे आपके स्टार्स आपको कम दिख रहे हैं तो आप स्टार्स भी ऐड कर सकते हैं, और आपको इस तरीके से इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, जितने भी आपको यहाँ पे ये लेयर्स दिख रही थी आपको उसको आपको वो सारी चीज़ें ऐड करनी है। और मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखा देता हूँ, अगर आपको इसमें एक इमेज लेके आनी है, अगर आप एक बाहर से कोई चीज़ इम्पोर्ट करके जोड़ना चाहते हैं इसमें, अगर आप चाहते हैं कि इस पे आप एक रॉकेट दिखाएं कि रॉकेट बाहर जा रहा है, या अगर रॉकेट दिखाना चाहते हैं सैटेलाइट होती है यहाँ पे जो हमारी ये एग्जो बेस है इनमें सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट इन्वॉल्व करती है, अगर आप सैटेलाइट लगाना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल से एक PNG इमेज निकालनी है, PNG मतलब जिसका बैकग्राउंड ना हो, तो एक बिना बैकग्राउंड वाली इमेज आपको निकालनी है, तो उसको एक बार आप जब निकाल देंगे तब आपको यहाँ पे फाइल ऐड इमेज आप एक नई लेयर, अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप अपनी जहाँ आपने फाइल रखी है आप वहाँ जाइए, मैंने यहाँ रखी है, तो मैं इसे यहाँ पे अपनी लोकेशन ढूंढ के जहाँ आपने फाइल जो चीज़ आपने रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे एक रॉकेट रखा है, एक सैटेलाइट रखा है, एक एयरप्लेन रखा है, तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट करेंगे, मैं रॉकेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा रॉकेट यहाँ पे एक नई लेयर पे आ गया है। तो एक बार रॉकेट आपका आ गया है तो आप इसे ट्रांसफॉर्म कीजिए
और जहां आपको इसे पोजीशन करना है आप इसे वहां पोजीशन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ रखना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रखिए, और जहाँ आपको सही लगे आप उसे वहाँ सेट कर लीजिए। तो एक बार आपका सेट हो जाए तो इस रॉकेट को आप एनिमेशन में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप ये इस तरीके से आप अपने बाकी एलिमेंट्स इसमें ऐड कीजिए, इसे रीनेम कीजिए, और इस तरीके से आप अपना जो इलस्ट्रेशन है, जो ड्राइंग है, आप वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आप ये ऐड कीजिए, मैं भी फटाफट अपने उसमें जो टेक्स्ट है वो ऐड कर लेता हूँ, आप भी मुझे फॉलो करते करते टैक्स ऐड कर लेते। तो फटाफट हम टैक्स उस पर और बाकी चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। मैं फटाफट टैक्स ले लेता हूँ और इसमें एग्जॉस्ट पे लिख लेते हैं ई एक्स एस पी एच, और इसका साइज बढ़ा के कलर वाइट करके इसे बोल्ड करके ओके कर दूंगा और यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। इसी तरीके से बाकी जो बाकी चीज़ भी इसमें लिख लूंगा इसी तरीके से। अब हमें लिखना है थर्मोस्फीयर एस पी एच ई आर की सेलेक्ट करके फोल्ड करके वाइट कलर करके ओके पर क्लिक कर दूंगा और इसे यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। अब हम इसमें एक और टेक्स्ट लेंगे, यहाँ पे हम इसे मीजोस्फीयर लिखेंगे, मीजोस्फीयर सेलेक्ट करेंगे, वाइट कलर कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अभी हमारा बोल्ड नहीं हुआ है, बोल्ड भी करें इस तरीके से बोल्ड करें और इसे यहाँ पे सेट कर दें। अब आपको स्ट्रेटोस्फीयर और टोपोस्फीयर बचा है आपके, तो वापस टेक्स्ट लीजिए, स्ट्रेटोस्फीयर नेम कर दीजिए स्ट्रेटोस्फीयर, बोल्ड करें, वाइट कलर कर दें और ओके पे क्लिक करके इसे यहाँ पर रख दें, ओजोन लेयर के ऊपर रख दें। आप इसे इस तरीके से अरेंज कर देंगे जहाँ आपको सही लगे। फिर हम एक और टेक्स्ट लेंगे और इसे ट्रोपोस्फीयर नाम दे देंगे, तो ट्रोपो एस पी एच ई आर पी, ट्रोपोस्फीयर नाम लेके इसे बोल्ड और कलर वाइट करके इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो इसको है टेक्स्ट ऐड करते हैं। आप इसे अगर रीपोजिशन करना चाहें तो रीपोजिशन कीजिए, जहाँ आपको उसे सेट करना है आप उसे वहाँ सेट कीजिए। फिर हम जो हमारा वीडियो है, अगले वीडियो में हम अगले सेशन में हम इन सब चीज़ों को एनिमेट करेंगे। तो हमने हर चीज़ को अलग लेयर में रखा है, तो आप इस तरीके से आप एक वो बना दीजिए, एक सीक्वेंस बना दीजिए। आपको अगर इसका साइज चेंज करना है, अगर आप इनमें साइज चेंज करना चाहें तो आप जब लेयर बना चुके हैं तो आपको आसानी होगी कुछ भी करने में, और जब हम एनिमेशन करेंगे तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, हमें हर चीज़ को अलग लेयर पर बनाना। तो एक बार आप इतना बना लीजिए और फिर हम इसको अगले सेशन में देखेंगे कि हम किस तरीके से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके एक एनिमेशन तैयार करते हैं। तो आप इसमें और एलिमेंट्स अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक अरोरा टाइप का बनाया है, जो अरोरा लाइट्स होती है यहाँ पे हमारे इस लेयर पे दिखाई देती है हमें। तो आप यहाँ पे ऐड कीजिए अरोरा और यहाँ पे हमारा जो कॉमेंट है ये ऐड करिए। तो हम कॉमेंट ऐड करना देख लेते हैं किस तरीके से हम कॉमेंट ऐड करेंगे, फिर हम इसे अगले सेशन में ये देखेंगे कि हम किस तरीके से इन सारी चीज़ों का यूज़ करके एक एनिमेशन बनाते हैं। तो कॉमेंट ऐड करने के लिए हम एक नई लेयर ले लेते हैं और उसको रीनेम करके कॉमेंट कर देते हैं। तो मैं रीनेम कर देता हूँ इसे, रीनेम के ऑप्शन पे जाके इसको कॉमेंट लिख लेते हैं, और आप बाकी चीज़ें बाकी जितने भी लेयर हैं आप इसे रीनेम करते रहे। कॉमेंट कर लिया मैंने और अब मैं यहाँ पे अपना कॉमेंट बनाने वाला हूँ। तो कॉमेंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना ग्लो ब्रश इस्तेमाल करूँगा। तो जितनी भी आग वाली चीज़ है उसके लिए आप ग्लो ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रश लाइब्रेरी खोलिए और ग्लो ब्रश जिससे हमने स्टार बनाया, एक इससे हमने स्टार बनाया, इससे हम जो ये बनाने वाले हैं वो ये इससे बनाने वाले हैं। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले मैं आपकी जैसे आपकी स्टेट में कर रहा हूँ, अब आप इसको फ्लो को बिल्कुल कम कर दीजिए और साइज़ भी कम रख दीजिए। तो अब आप जब भी ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके का इफेक्ट आ रहा है। तो हमारा जो थर्मोस्फीयर है यहाँ पे जो वो आता है मेटीरियल होता है वो ख़राब पूरे यहाँ पे आके पूरे जल जाते हैं। तो हम यहाँ पे अपना मेटीरियल बनाने वाले हैं, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ अपना ऑरेंज में, मेटीरियल का जैसा ऑरेंज कलर ले लेते हैं हमें, और यहाँ पे इस तरीके से
एक पतला लाइन बना देते हैं, मेरा ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा है, ब्रश के साइज का एडजस्ट करके अब इस तरीके से एक लाइन खींचिए। इस तरीके से ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ मीटियोर्स आके जल रहे हैं। तो इस तरीके से आप मीटियोर्स बना सकते हैं, और अगर मीटियोर बनाना चाहते हैं तो आप वो दिखा सकते हैं। और अब हम इसमें एक अरोरा ऐड करने वाले हैं, फिर हमारा इलस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। अरोरा ऐड करने के लिए हम जूम करके यहाँ पे आएंगे जहाँ पे हमने बनाया है अरोरा। ये हमारा थर्मोस पेयर के ऊपर है, तो थर्मोस्फेयर के पास हमसे बनाने वाले थर्मोस्फेयर पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अरोरा बनाने के लिए आप चाहें तो ग्लो ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम आपको उसमें वो रखना होगा। तो इस तरीके से ग्रीन कलर ले लेता हूँ मैं। आप इस तरीके से ग्लो ब्रश से भी ये बना सकते हैं अरोरा अपने, आप इस तरीके से अरोरास दिखा सकते हैं, या आप अपने कोई और ब्रश देखना चाहते हैं तो आप और ब्रश ट्राई कीजिए। और अगर आप इस ग्रीन कलर से बनाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मैं थोड़ा डार्क कलर भी बोलता हूँ ताकि जब ग्लो करे तो ज़्यादा अच्छे दिखे। फिर हम एक कलर और ट्राई कर सकते हैं, इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं, अपने इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमने ये अरोरा बना दिया, थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया इस तरीके से, और ये आपका अरोड़ा तैयार है। इस तरीके से आप और चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने ड्राइंग में। तो अभी हमने इतना ऐड कर दिया, अब आपसे कंट्रोल सेव कर दीजिए, और इस तरीके के आप और इलस्ट्रेशन बना सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो यूट्यूब में हमारा जो चैनल है उसमें आपको और अलग अलग तरीके के इलस्ट्रेशन मिल जाएंगे। आपको जो इलस्ट्रेशन बनाएंगे आप उस वीडियोज़ को खोल उस वीडियो को खोलिए, उसमें आप देखिए सीखिए और उसे बनाइए। हम आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना DDS का चैनल दे देंगे, तो आप उसे खोल के देख सकते हैं। तो आप उस चैनल को आप उसमें चैनल में आप हमारी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। हम आपको एक ईमेल एड्रेस भी दे देंगे इस वीडियो के उस टाइटल उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप अपना जो भी काम आप बना रहे हैं वो आप हमें उसमें भेज सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप सेशन के दौरान पूछ सकते हैं, या आप हमें कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपके कॉमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, अब आप अगले सेशन में देखिएगा कि हम किस तरीके से एनिमेशन करते हैं। धन्यवाद।